हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। इसमें हम लोग आज पूरे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। हाँ, एकदम ब्रीफली तो नहीं कर सकते, पर हाँ एटलीस्टली आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा है। तो हम लोगों ने जैसे आर्टिकल 12 और 13 के बारे में पहले ही बात कर ली थी, जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट और जो लॉज इनकंसिस्टेंट है या डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट्स के, उनका क्या हाल, मतलब कि उनके ऊपर जो भी लॉज थे आर्टिकल में, जो भी डिफाइंड था आर्टिकल 12 और 13 में, वो हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट अब आता है राइट टू इक्वालिटी, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी लाइन वाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं। सो राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से 18 तक आता है, जिसमें आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड करता है, यानी कि कोई भी पर्सन जो है उसे इंडियन टेरिटरी में उसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन के बिना। स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ देने से मना नहीं कर सकता, मतलब कि हर जो कानून है उसके नज़रों में हर इंसान इक्वल है। देन आर्टिकल 15 आता है, जिसमें प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि भेदभाव में रोक लगाई गई है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के और रेस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करने से। इसमें स्टेट को ऑर्डर भी किया गया, यानी कि उसको बोला गया है कि स्टेट जो है वो इसमें से किसी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सिटीज़न को प्रोवाइड किया गया है कि उनके साथ इन किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किसी भी पब्लिक प्लेस में, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, या और भी कोई भी पब्लिक कोई एंटरटेनमेंट एरिया है या कुछ भी है, तो वहाँ पे जाने के लिए किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी को जाने से रोका नहीं जा सकेगा। ऑल्सो जो वुमेन और चिल्ड्रेन है उनके लिए, लेकिन जो स्टेट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, वो जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ऑल्सो जो आर्टिकल 19 और 29 के लिए स्टेट जो है वो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं या सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं या एसटी हैं, एससी हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, इन सब के लिए जो है स्पेशल प्रोविजन जब स्टेट बना रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनके अपलिफ्टमेंट करना ज़्यादा नेसेसरी है। ऑल्सो इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो स्टेट जो है वो नोटिफाई करेगा टाइम टू टाइम कि फैमिली इनकम बेसिस पे किस कौन से ग्रुप को हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मानते हैं। देन है आर्टिकल 16, जिसमें जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की गई है, जिसमें हर सिटीज़न को इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मिलनी चाहिए बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, उसके बारे में बताया गया है। हाउएवर इसमें भी जो रिजर्वेशन मैटर है उनमें स्टेट फ्री है रिजर्वेशन करने के लिए पोस्ट का, वो एसटी और एससी कैटेगरी के फेवर में। ऑल्सो इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, मतलब कि जो क्लॉस 3-6 है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्लॉस पे। तो जैसे आर्टिकल 5 क्लॉस 5 में लिखा हुआ है कि इस आर्टिकल में जो भी है वो लॉ के ऑपरेशन में इफ़ेक्ट नहीं करेगा, जिसमें किसी भी ऑफिस में जो किसी भी रिलीजियस या इंस्टीट्यूशन के लिए, या अगर कोई गवर्निंग बॉडी है तो उसमें जो पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर डिनोमिनेशन से बिलोंग करता है, तो उसके पर्सन के प्रोफेशन के ऊपर ये जो है अपॉर्चुनिटी, मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वली अगर प्रोवाइड नहीं हो पा रही है इन बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने के कारण, तो उसको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। देन है आर्टिकल 17, जिसमें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। हालांकि छुआछूत तो बहुत हद तक तो हमारे कंट्री में ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी कुछ हद तक तो बचा ही है। सो अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत जो है अबॉलिश किया गया आर्टिकल 17 के थ्रू, जिसमें अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। देन एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि कोई भी टाइटल, चाहे वो क्या कहते हैं मिलिट्री हो, एकेडमिक डिस्टिंक्शन के ऊपर हो, वो स्टेट के पास नहीं रहेगा। देन जो कोई भी इंडिया का सिटीजन है वो किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देन कोई भी इंसान या जो पर्सन है वो जो सिटीज़न नहीं है अगर इंडिया का, तो अगर वो होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट स्टेट के अंडर, तो वो भी बिना, तो वो ये तब तक नहीं कर सकता जब तक कि
प्रेसिडेंट का कंसेंट ना हो अगर वो फॉरेन स्टेट से कर रहा है तो. देन कोई भी पर्सन जो होल्ड कर रहा है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट स्टेट के अंदर वो भी बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के तो वो ये कहते हैं फॉरेन फॉरेन कंट्री से कोई भी प्रेजेंट अलॉनमेंट या ऑफिस कुछ भी होल्ड नहीं कर सकता. मतलब कि जो टाइटल्स हैं उनके एबोल्यूशन के बारे में बात की गई ताकि सब लोग इक्वली ट्रीट हो सके क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड पूरा आर्टिकल 14-18 दिया हुआ है. देन आता है आर्टिकल 19 से. सो हम लोग की जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो है राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 तक के बीच के लिए. तो आर्टिकल 19 में आता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसमें मतलब कि अलग अलग राइट्स दिए गए हैं जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एसोसिएशन फॉर्म करना इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली कहीं पे भी आना जाना किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं पे भी सेटल होना रहना प्रैक्टिस करना कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन ये सारे जो फ्रीडम्स हैं वो दिए गए हैं क्योंकि ये राइट टू फ्रीडम का पूरा एक पार्ट है तो इसलिए इसमें ये सारी राइट्स दिए गए हैं. देन सब क्लॉज 2 से लेके सब क्लॉज 6 तक इस सब में एक्सेप्शन दिए गए हैं जैसे कि जो सब क्लॉज 2 है जिसमें जो हम लोगों का पहला था वो था कि राइट टू सॉरी या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो इसमें जो सब क्लॉज 2 सॉरी क्लॉज 2 है उसमें बताया गया है कि जो सब क्लॉज ए है क्लॉज 1 का वो किसी भी जो पुराने लॉस हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगा या स्टेट को कोई नया लॉ बनाने से नहीं रोकेगा जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगे तो ताकि पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी मोरालिटी स्टेट की बनी रहे कोई फ्रेंडली रिलेशन में जो फॉरेन स्टेट्स हैं उनकी फ्रेंडली रिलेशन में कोई दरार ना आए इन सब के बारे में न्यू लॉस बनाए जा सकते हैं. ऑल्सो जब हमें पीसफुल असेंबल होना है बिना आर्म के तो उसके ऊपर भी एक्सेप्शन है कि जो कि क्लॉज 3 में दिया गया है कि इसमें भी जो पुराने लॉस हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा और स्टेट जो है वो ऐसा कोई नया लॉ बना सकता है जिससे इंडिया की सॉवरिटी और इंटीग्रिटी पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है. इन शॉर्ट इस पूरे आर्टिकल में जो राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है हम लोगों को आर्टिकल 19 के थ्रू उसमें जितने भी एक्सेप्शन हैं वो रीजनेबल हैं ताकि इससे जो इंडिया है उसकी इंटीग्रिटी को कोई भी ठेस ना पहुँचे. देन है आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. मतलब कि कोई भी इंसान जो है वो कन्विक्ट किसी ऑफेंस के लिए ना हो नहीं हो सकता जब तक कि वो कोई वॉयलेशन ना करे लॉ का. यानी कि जो पर्सन है उसको जितना ऑफेंस है उसके हिसाब से चार्ज हो और मतलब कि राइट टू फ्रीडम के ऊपर है कि कोई भी पर्सन जो है वो बिना मतलब कि बिना किसी भी क्राइम किए वो प्रोसिक्यूट ना हो पनिश ना हो. और इसमें अलग अलग प्रिंसिपल्स भी निकले हैं जैसे कि डबल जियोपार्डी एंड ऑल. तो मतलब कि कोई जो पर्सन है उसको एक ही क्राइम के लिए दो बार पनिश ना किया जाए. ऑल्सो जो पर्सन है उसे खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं माना जाएगा. ये सब इस आर्टिकल में यानी आर्टिकल 20 में दिया गया है. देन आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इसमें जो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो है उसकी पर्सनल लिबर्टी या लाइफ से डिप्राइव नहीं रखा जाएगा अनलेस ऐसी सर्कमस्टेंस आते हैं कि लॉ ने कुछ प्रोसीजर बनाए हैं जिस कारण से मतलब कि कुछ ऐसा उस पर्सन ने किया है या ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि लॉ के उस प्रोसीजर को मानते हुए उस लॉ जो अगर कोई प्रोसीजर बनाता है कि इस प्रोसीजर के थ्रू जो पर्सन है उसको उसके लाइफ से या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जा सकता है. देन है आर्टिकल 21A जिसमें राइट टू एजुकेशन है जिसमें स्टेट को डायरेक्ट किया गया है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे हर बच्चे को 6-14 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे उन सबको और मैनर वो डिटरमाइन कर सकते हैं बाय लॉ. देन है आर्टिकल 22 जिसमें आर्बिटरी अरेस्ट या और रिटेंशन के ऊपर प्रोविजन है जिसमें बताया गया है कि किसी भी पर्सन को आर्बिटरी कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है बिना उसे बताए हुए कि वो किस ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया गया है और उसको लीगल प्रैक्टिसनर जैसा वो चाहे उससे
मतलब कि एक लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि एक एडवोकेट उन्हें हायर करने का पूरा हक है कि वो अपना पक्ष भी रख सके, ताकि ऑल्सो मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स प्रेजेंट करना पड़ता है ये सब, ताकि जो पुलिस है वो आर्बिट्ररी डिटेन ना कर सके किसी भी पर्सन को उसके लिए। इसके ऊपर भी अलग अलग क्लॉसेस हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो कब हो सकता है, उसके बारे में भी इस क्लॉज में बताया गया है। देन है हम लोगों का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक है। सो 23 आर्टिकल 23 में है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मतलब कि किसी भी इंसान को ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि किसी भी इंसान को खरीदना या बेचना जुल्म है, और किसी के भी साथ फोर्स लेबर यानी कि कोई इंसान काम नहीं करना चाहता उसको ज़बरदस्ती या बिना पैसा दिए काम कराना, ये सब जो है एक पनिशेबल ऑफेंस है। हालांकि ये स्टेट को मतलब एक्सेप्शन में इसमें ये है कि स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकता है कंपलसरी सर्विस पब्लिक सर्विस के पब्लिक पर्पस के लिए, ओके बट इसमें भी स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है किसी भी ग्राउंड पे। देन है आर्टिकल 24 जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज है, जिसमें 14 साल से कम के बच्चों को किसी भी हजारस फैक्ट्रीज में काम करने के लिए मनाही है या फिर उनसे काम कराना कानूनन जुर्म है। देन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है, जिसमें आर्टिकल 25 में दिया गया फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसमें बताया गया है कि जो पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी और हेल्थ है उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हर पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वली हर पर्सन एंटाइटल्ड है कि वो अपना फ्रीडम यूज़ कर सके और अपना रिलीजन प्रोपोगेट कर सके, प्रैक्टिस कर सके और प्रोफेस कर सके। और इसमें और कोई अगर पुराना लॉ है तो उसको अफेक्ट किए बिना, और स्टेट जो है वो नए लॉज भी बना सकता है रेगुलेट करने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई भी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल या कोई भी सेकुलर एक्टिविटी जो कि एसोसिएटेड है रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर के से या रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ। देन और स्टेट न्यू लॉज बना सकता है सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो हिंदूस के मतलब कि उसमें हिंदू के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पब्लिक कैरेक्टर देने के लिए, ताकि वो हर क्लासेस के लिए हर सेक्शन ऑफ हिंदूस को प्रोवाइड किया जा सके। इसमें दो एक्सप्लेनेशन भी दी गई हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन वन में कहा गया है कि जो किरपांस पहनना है या वियर करना है वो जो है वो सिख के रिलीजन के प्रोफेशन में आएगा, और जो क्लॉज टू का सब क्लॉज बी है यानी कि जो स्टेट बना सकता है रेगुलेशन इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल या अदर कोई सेकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड, उसमें जो हिंदू से रेफरेंस है वो रेफरेंस जो है वो सिख जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन से भी रिलेटेड करेगा। ओके देन है हम लोगों का आर्टिकल 26 जिसमें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर है, कि हर जो पब्लिक सेक्टर है या जो भी रिलीजियस सेक्टर सेक्शन है सोसाइटी का वो अपना रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हैं, उनके पास पूरी फ्रीडम है, वो अपना इंस्टीट्यूशन जो है वो रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए बना सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं, उसका अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, उसमें इमूवल या मूवेबल प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को लॉ के अकॉर्डिंग। ओके देन है हम लोगों का आर्टिकल 27 फ्रीडम ऑफ एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कि कोई भी पर्सन जो है उसे क्या कहते हैं कंपेल किया जा सकता है कि टैक्स पे किया जाए, मतलब सॉरी किसी भी पर्सन को टैक्स पे करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा अगर वो स्पेसिफिकली जो पेमेंट है या एक्सपेंशंस है वो प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए हैं पर्टिकुलर रिलीजन या रिलीजियस डोमिनेशन के। देन है आर्टिकल 28 जो कि है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि
कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर वो स्टेट फंड से मैनेज की जा रही है, ताकि क्योंकि स्टेट जो है वो हमारा सेकुलर है और जैसा कि मैंने प्रीएम्बल टाइम पढ़ा मतलब कि जब हमने डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि हम लोगों ने सेकुलरिज्म जो है अडॉप्ट किए, मतलब कि हमारा कोई स्टेट का कोई पर्सनली रिलीजन नहीं हो सकता, इसलिए वो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपोगेट नहीं कर सकता अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट फंड से है तो। हालांकि ये जो अगर ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एडमिनिस्टर स्टेट के बारे के द्वारा हो रहा है, बट ये जो इस्टेब्लिश हुआ था वो किसी ट्रस्ट के द्वारा हुआ था जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। ओके, देन है हम लोगों का माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें आता है हम लोगों का कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें आर्टिकल 29 से 31D तक पूरा आता है, जिसमें से आर्टिकल 31 और आर्टिकल 31D जो है वो रिपील हो चुके हैं। सो आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें कोई भी सेक्शन जो है सिटीजन का जो कि इंडियन टेरिटरी में रह रहा है या फिर कहीं पे भी रह रहा है जिसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट या कल्चर है, तो उसको उन्हें कंजर्व करने का पूरा राइट है, और उन्हें किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा या स्टेट फंड से रिसीव होने वाले किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा उनको एडमिशन के लिए डिनाई नहीं किया जा सकता है किसी भी ग्राउंड पे। देन है आर्टिकल 30 जिसमें राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ है, ताकि उनके एडमिनिस्टर या इस्टेब्लिश करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि कोई भी माइनॉरिटी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश एडमिनिस्टर कर सकती है, जिसमें हर माइनॉरिटी जो कि रिलीजन या लैंग्वेज पे बेस्ड है उनके पास पूरा राइट है कि वो इस्टेब्लिश कर सके और एडमिनिस्टर कर सके अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि वो उनके खुद के चॉइस का होगा, और उसमें बनाने के लिए उनको क्या कहते हैं जो स्टेट है वो जब उन्हें एड प्रोवाइड करेगा तो वो इस बात से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि ये जो माइनॉरिटी के अंदर है या फिर मेजॉरिटी के अंदर इंस्टीट्यूशन आ रहा है। ओके, देन है हम लोगों का आर्टिकल 31A जिसमें सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विशन ऑफ स्टेट एसेट्रा है। ओके, सो इसमें बोला गया है कि जो आर्टिकल 13 में दिया गया है उस बात से ना मुकरते हुए कोई भी लॉ जो जो क्या कहते हैं जो प्रोवाइड कर रहा है एक्विशन ऑफ जो कि मतलब कि उस प्रॉपर्टी से या स्टेट से जो स्टेट की है, मतलब स्टेट STAT वाले स्टेट की है, और या फिर कोई भी राइट जो है उसके मॉडिफिकेशन के लिए, या जो मैनेजमेंट है प्रॉपर्टी या स्टेट की उसको टेक ओवर करना लिमिटेड टाइम के लिए, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट प्रॉपर्टी की हो सके इसलिए हो या और भी कुछ है, तो इन सब में वो सारे लॉ जो हैं वो वॉइड कहलाए जाएंगे इस ग्राउंड पे कि वो इनकंसिस्टेंट हैं या फिर वो ले रहे हैं या एब्रिज कर रहे हैं कोई भी राइट अगर आर्टिकल 14-19 तक में। ये बात मतलब एक प्रोवाइजो भी है कि प्रोवाइडेड दैट वे आर सच लॉ इज़ अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शॉल नॉट अप्लाई देयर टू अनलेस सच लॉ हैविंग बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ रिसीव्ड हिज असेंट। जब तक कि प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिलता तब तक उसमें कोई भी डेरोगेशन नहीं कहलाएगी। और जो क्लॉज टू है उसमें जो एक्सप्रेशंस हैं स्टेट वो लोकल एरिया के लिए भी माने जा रहे हैं और उनकी सेम मीनिंग है या और एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंट है जैसा कि बाकी लॉस में जो कि लैंड टेन्योर से रिलेटेड है उन पे होता है। कोई भी जागीर इनाम या मुआफ़ी जो है या और भी कोई सिमिलर ग्रांट जो स्टेट के हैं जैसे कि तमिलनाडु केरला में या कोई भी वेस्ट लैंड है फॉरेस्ट लैंड है ये अदर स्ट्रक्चर है वो सब जो हैं वो भी इंक्लूड होंगे इस स्टेट के अंदर। ओके, और जो राइट्स है जो कि स्टेट से रिलेटेड है वो इंक्लूड करेगा सारे राइट जो कि
प्रोप्राइटर, सब प्रोप्राइटर, अंडर प्रोप्राइटर, टेन्योर होल्डर या रियायत, अंडर रियायत या इंटरमीडियरी और कोई भी राइट ऑफ लिवरेज रेंट रिवेन्यू के रिस्पेक्ट में मिलते हैं। देन है हम लोगों का आर्टिकल 31B, जिसमें है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, जो कि कहता है कि जो प्रोविजंस दिए हों आर्टिकल 31A में, उनके जनरलिटी को प्रिजुडाइज के बिना, मतलब उनको ठेस पहुँचाए बिना, कोई भी जो एक्ट है या रेगुलेशन है जो कि 19 शेड्यूल में दिया हुआ है वो, या जो भी प्रोविजंस हैं जो कि वॉइड कहला रहे हैं या वॉइड बन जाएंगे इस ग्राउंड पे कि ये जो रेगुलेशन या प्रोविजन है वो इनकंसिस्टेंट है, या वो एब्रिज कर रहा है या ले रहा है कोई भी राइट जो कि कन्फर्म किए गए हैं इस फंडामेंटल राइट्स में वो, और जो जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर जो भी कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का है, जो कि कॉन्ट्रेरी है इस एक्ट से, या और जो रेगुलेशन है जो कि पावर किसी भी कंपिटेंट लेजिस्लेचर के पावर के द्वारा जो रिपील या अमेंड कर सकता है, उसके द्वारा कुछ भी रिपील नहीं किए गए हैं तो वो अभी फोर्स में कंटिन्यू करेंगे। देन है आर्टिकल 31C, जिसमें सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसमें जैसे कि हम लोगों ने पिछले आर्टिकल में पढ़ा उसी तरह इसमें अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें जो पॉलिसी है वो सिक्योर कर रही है सारे या कुछ प्रिंसिपल जो आर्टिकल सॉरी पार्ट फोर में दिए गए हैं, क्योंकि पार्ट फोर जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का है, तो वो वॉइड कहलाए जाएंगे इस ग्राउंड पे कि वो आर्टिकल 14 या 19 से इनकंसिस्टेंट है। ओके, प्रोवाइडेड कि जो ये लॉ है वो लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट के, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं, तो जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल के वो अप्लाई नहीं होंगे जब तक कि वो जो लॉ है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए गया है और उसको असेंट या कंसेंट मिली गई है। देन आर्टिकल 32, जिसमें रेमेडीज बताए गए हैं कि अगर ये जो राइट्स हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो अगर पूरे नहीं होते हैं तो क्या। ओके, तो इसमें आता है आर्टिकल 32, जिसमें मतलब कि आर्टिकल 32 से 35, जिसमें है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें आर्टिकल 32 में रेमेडी बताए गए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं किसी प्रोसीडिंग के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर डायरेक्शन रिट जो है जिनमें से पांचों में से कोई भी रिट, चाहे वो हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो या सर्चरी, कोई भी रिट जो है वो इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। और जो राइट गारंटी हुए हैं इसमें इस आर्टिकल के थ्रू वो जब तक कि अलग से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताया नहीं जा रहा है तब तक कि वो सस्पेंड नहीं होंगे। देन है आर्टिकल 32A, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉस नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32, जो कि रिपील हो चुका है। देन है आर्टिकल 33, जिसमें है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा, मतलब पार्लियामेंट जो है वो अपने लॉ बनाकर डिटरमाइन कर सकता है कि किस एक्सटेंट तक जो राइट्स हैं इस पार्ट में जो कन्फर किए गए हैं उनके एप्लीकेशन होंगे आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, मतलब कि अलग अलग जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, फोर्सेस जिनके पास पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनके पास चार्ज है, या जो पर्सन है जिन्हें एम्प्लॉय किया गया है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि किसी भी इंटेलिजेंस पर्पस के लिए या काउंटर इंटेलिजेंस के लिए, उन सब में किस तरह से ये लॉस या ये राइट्स अप्लाई होंगे, उन एप्लीकेशन के ऊपर जो है पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। देन है आर्टिकल 34, जिसमें है रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, मतलब कि कुछ भी अगर मार्शल लॉ जो है वो फोर्स पे है तो इन राइट्स पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगेंगे। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी चीज़ जो पुराने मतलब पूरे पार्ट में दी गई है उस बात से ना मुकरते हुए पार्लियामेंट जो है वो इंडेमनीफाई कर सकता है किसी भी पर्सन को यूनियन सर्विस में या फिर स्टेट सर्विस में, या किसी भी पर्सन को जो कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट होता है उसके द्वारा
जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन या रिस्टोर करने के लिए किसी भी एरिया में, इंडिया में जहाँ पे मार्शल लॉ फोर्स पे है, या वो वैलिडेट करने के लिए किसी भी सेंटेंस जो कि पास किया गया है या पनिशमेंट है या कोई भी अदर एक्ट होता है जो कि मार्शल लॉ के कारण होता है। देन आर्टिकल 35 है जिसमें लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, जिसमें कहा गया है कि जो भी चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको मतलब कि डेरोगेट किए बिना, उनके कॉन्ट्रेरी के बिना जो पार्लियामेंट है वो और जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है उसके पास और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसके पास नहीं है कि वो पावर, मतलब कि वो पावर नहीं है कि वो लॉज बना सकें विथ रिस्पेक्ट टू जो मैटर्स क्लॉज 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 32 के, आर्टिकल 33 में, आर्टिकल 34 में, जो कि किसी भी पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा प्रोवाइड किए जा सकते हैं, या कोई पनिशमेंट डिस्क्राइब करने के लिए जो कि इस पार्ट के अंदर अंतर्गत ऑफेंस हो। ऑल्सो ये जो आर्टिकल है इसमें जो लॉ इन्फोर्स है उसकी सेम मीनिंग है जो कि आर्टिकल 372 में है। इसी के साथ हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हुआ। इन सब में हर आर्टिकल में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो, क्योंकि एक लेक्चर में कवर करना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है इसलिए मैंने नहीं किए हैं, बट आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो इन सबसे रिलेटेड केस लॉस हैं जो अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिए, क्योंकि हर आर्टिकल के साथ बहुत सारे केस लॉस हैं जिनको मैंने अभी नहीं डिस्क्राइब किया है। ओके, थैंक यू सो मच।